स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन के द्वारा लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए जेपी सिनेमा में विशेष फिल्म चंदू चैंपियन का विशेष प्रदर्शन कराया गया। इस फिल्म को पुलिस परिवार के अलावा पत्रकारों और विद्यार्थियों को भी दिखाया गया। प्रदर्शन के दौरान जेपी सिनेमा के डायरेक्टर विनय चौरसिया, एडिशनल एसपी विक्रम सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि इन दिनों देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए निरंतर ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं जिससे लोग अपने राष्ट्र के लिए सजग बने। पेप्टिक टाउन स्थित जेपी सिनेमा में पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह, सभी अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी सहित पुलिस अधिकारी और कर्मचारी परिवार भी फिल्म को देखने के लिए शामिल हुए। गौरतलब है कि ये फिल्म मुरलीकांत पेटकर नामक एक पूर्व सैन्य अधिकारी की यात्रा को दर्शाती है जिन्होंने 1972 में जर्मनी के हेडलबर्ग में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। वे गांव से निकलकर सेना में शामिल हुए, संघर्ष किया और उनका लक्ष्य ओलंपिक में भागीदारी कर पदक हासिल करना था। पाकिस्तान के खिलाफ सन 1965 के युद्ध में मुरलीकांत को 9 गोलियां लगी थी। संघर्ष करते हुए उन्होंने 1972 के जर्मनी में हुए पैरालंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। वो पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने फ्री स्टाइल स्विमिंग में विजेता बनकर इतिहास भी रचा। सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। इस मूवी की सबसे प्रेरणादायक बात यह थी कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए आधार के साथ साथ आत्मविश्वास का होना अति आवश्यक है। विरोध होना आम बात है और संघर्ष कर नकारात्मक चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना अलग बात है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त हो उसे ग्रहण करना चाहिए। एसपी अगम जैन ने कहा कि पूरे पुलिस परिवार के साथ बैठकर उन्होंने ये फिल्म देखी है। फिल्म प्रेरणादायक है और चूंकि हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इस दिनों पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज़ादी के इस पर्व को एंजॉय कर रहा है, इसलिए ऐसी प्रेरणादायक मूवी देखना सभी लोगों के लिए लाजमी है। मूवी देखने आए थे, क्या मैसेज है और पूरी पुलिस की टीम आज साथ में आई थी, क्या उद्देश्य है? जिस तरह से हमारा पूरा देश अभी स्वतंत्रता दिवस के रंग में है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारे पूरे पुलिस की टीम, उनके परिवार, बच्चे सभी चंदू चैंपियन एक मूवी देखने आए हैं जो देशभक्ति से उद्भूत मूवी है और बहुत ही अच्छी मूवी थी। और सभी में बहुत उत्साह देखने को मिला जब देश के लिए वो मेडल लेकर के आते हैं फिल्म में जैसा दिखाया है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा स्टाफ और हमारी पूरी पुलिस परिवार के फैमिलीज, बच्चे देख के उत्साहित होंगे, मोटिवेटेड होंगे और स्वतंत्रता दिवस पर के उपलक्ष्य में इसी के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं देते हुए ये बताना चाहूँगा कि इसी तरह यदि हम संकेत रहेंगे तो छतरपुर शहर को बेहतर सुरक्षा और एक सकारात्मक एनर्जी प्रदान कर पाएंगे। आज आप जेपी सिनेमा में कौन सी मूवी लगी है? ये चंदू चैंपियन। इस मूवी में चंदू चैंपियन क्या कर? चंदू चैंपियन का अच्छा रोल है, जो भी है एक उमंग का रोल है और हर इंसान को इस तरह से कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखनी चाहिए। चंदू चैंपियन मूवी में बच्चों को क्या सीखने मिलता है? बच्चों को एक बचपन से जो भी एक लगन लग जाए उस लगन के अनुसार चलना चाहिए और लगन की प्रतीक्षा में चाहे कुछ भी हो वो पाने की इच्छा में उसको अपनी चाहे जीवन की लीला भी समाप्त करनी पड़े तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अब एंड अभी मैंने देखा नहीं है तो अभी मैं नहीं बता सकता। बाकी नहीं, अभी तो अभी आधी इंटरवल हुआ है ना, अभी मैंने पूरी मूवी नहीं देख पाई। ठीक है, चंदू चैंपियन में बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? बच्चों के ऊपर ये प्रभाव पड़ा कि मतलब कुछ भी कर सकते हैं, यदि काम में हमें पढ़ाई में मेहनत में क्रिकेट में किसमें इंटरेस्ट है तो हम कर सकते हैं। चंदू चैंपियन का अभी तक बेस्ट सीन आपको कौन सा लगा है? मेहनत करना, मेहनत से सफलता मिलती है। ठीक।